प्रोफेसर मुकुंद खैरे, प्रेसिडेंट समाज क्रांति आघाड़ी और ऑल इंडिया एक्शन कमिटी फॉर ब्रिटिश लॉ। मैं पहले सबको विशिष्ट व धर्म दीक्षा दिन के उपलक्ष में हार्दिक बधाई देता हूँ। तो आपने जो सवाल किया है कि बाबा साहब ने जो उद्देश्य धर्म क्रांति के पीछे बाबा साहब का जो उद्देश्य था, सही उद्देश्य सफल हुआ है क्या, ऐसा का जो जो क्वेश्चन है, तो मैं ये कहूँगा कि आज के तारीख में त्रेष्ठवा जो धम्म दीक्षा दिन, मैं तो धम्म दीक्षा दिन बोलूँगा, तो ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिन नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि धम्म चक्र प्रवर्तन जो है वो भगवान गौतम बुद्ध ने किया है। भगवान गौतम बुद्ध ने जो पहला धम्म चक्र प्रवर्तन किया सारनाथ में, तो भगवान गौतम बुद्ध ये धम्म के प्रवर्तक थे, उन्होंने वो धम्म के निर्माता थे। और बाबा साहब ने बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया, बुद्धिज्म को पहले स्वीकार किया है, इसलिए ये धम्म दीक्षा का ऐतिहासिक दिन हो सकता है। ये तो हमको इतने सालों से ये भी नहीं समझ में आया था, धम्म चक्र प्रवर्तन हम कैसा बोल सकते हैं, इसका मतलब हमने डीपली हम वो इसका स्टडी नहीं कर रहे। तो बाबा साहब का जो उद्देश्य था कि धम्म दीक्षा जो बाबा साहब ने ली, उसका उद्देश्य था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में रिसर्च वर्ष हुए, लेकिन जो उद्देश्य बाबा साहब का था कि इस देश में एक विज्ञानवादी जो विचारधारा है उसकी क्रांति होना चाहिए। और वो क्रांति होने के लिए पहले तो हमें तो पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम आज की तारीख हम क्या देख रहे हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी, और आज हम दशहरा के दिन हम दीक्षाभूमि जा रहे हैं। दशहरा के दिन में हम दीक्षाभूमि जा रहे हैं, इसका मतलब हम दशहरा जो तीर्थ है, जो हिंदू धर्म की जो तीर्थ है, वो तीर्थ पर हम हमारा धम्म दीक्षा का इतना बड़ा जो ऐतिहासिक जो कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम उसके पर मना रहे हैं। और दूसरी बात, वहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ प्रोग्राम होता है, और प्रोग्राम में गेस्ट कौन होता है, कोई राज्य का मुख्यमंत्री है, कोई देश का मुख्यमंत्री है, जो पॉलिटिकल लीडर है, जिसका यानी हमारे बुद्धिज्म से या बुद्धिस्ट फिलोसफी कोई संबंध नहीं है। अगर उसका भाषण सुनने के लिए अगर हम लोग लाखों लोग वहाँ जमा हुए, इसका मतलब हमारा उद्देश्य खत्म हो गया। ये हमारा बुद्धिज्म का उद्देश्य नहीं है। बाबा साहब ने जो धम्म दिया है, वो धम्म की क्रांति को सफल बनाने के लिए जो धम्म के तत्वज्ञानी लोग है, जो धम्म के फिलोसोफर है, धम्म के थिंकर है, जो हमारे बड़े बुद्धिस्ट मॉन्क है, जो इंटरनेशनल मॉन्क है, वो उनका मार्गदर्शन होना चाहिए। और आज के तारीख हम क्या देख रहे हैं, इतने सालों से हम क्या देख रहे हैं, कोई राज्य का मुख्यमंत्री आ रहा, वो पैसे पैसा दे रहा, वो अपनी बातें बता रहा, यानी वो पॉलिटिकल प्रोग्राम हो गए। यानी बाबा साहब का जो मुख्य उद्देश्य था कि धम्म क्रांति जो एक विज्ञाननिष्ठ विचारधारा समाज को एडॉप्ट होना चाहिए, और समाज की जो दिशा है वो चेंज होना चाहिए। और इसलिए मैं आज कहूँगा कि इतने साल हो रहे, लेकिन आज के तारीख में जो बाबा साहब का सही उद्देश्य था, क्योंकि 14 अक्टूबर को हमने मैंने मेरे तरफ से 10 साल संघर्ष किया, दशहरा छोड़ो 14 अक्टूबर स्वीकार करो। विज्ञाननिष्ठ अगर हम विज्ञाननिष्ठ नहीं हो रहे, 14 अक्टूबर पूरी दुनिया को मालूम है कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म क्रांति की। बाबा साहब ने हजारों सालों से जो बुद्धिज्म इस देश में जो खत्म हुआ था, उसको फिर से पुनर्जीवित किया। वो तारीख 14 अक्टूबर पूरी देश दुनिया को मालूम है। और दुनिया का कोई आदमी अगर समझो भारत में आएगा और दीक्षा को जाएगा, 14 अक्टूबर को आप प्रोग्राम में देखेंगे, तो वो क्या सोचेगा, उसको तो दशहरा मालूम नहीं है, दशहरा परंपरा उनको क्या कैसे मालूम नहीं है, अमेरिका या जापान का आदमी दशहरा कैसे मालूम हो सकता। और इसका मतलब हम दशहरा अभी तक दशहरा ये जो विषय है वो हमको नहीं समझ में आ रहा है, उसका हम समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आज हम 10 साल से मैंने संघर्ष किया, मैंने समाज को बताया, वामन गुरुबुल जी का जो किताब पढ़ा, उनका पूरा मार्गदर्शन लिया, जो 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 धर्म धर्मांतर ये कार्यक्रम के मुख्य संयोजक थे वामन गुरुबुल, जब उनसे मैंने मुलाकात की, उनका मैंने जब मार्गदर्शन लिया, उनका किताब पढ़ा, तो मुझे ख्याल में आया कि ये 14 अक्टूबर को हम छोड़ रहे। और इसलिए हमने 10-12 साल हमने बड़ी बड़ी रैली निकाली, और आज हम देख रहे 14 अक्टूबर की गर्दी हो रही है, 14 अक्टूबर की गर्दी हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दशहरा हमको छोड़ना पड़ेगा अगर हमको क्रांति करना है। क्रांति का मतलब क्या होगा, जो हमारी ट्रेडिशन है, जो गलत ट्रेडिशन है, उसको छोड़ना पड़ेगा, वही क्रांति होगी ना। हम आज की तारीख में ये सब हम बदलाव लाना हमारे लिए बहुत जरूरी, इसलिए मैं कहूँगा बाबा साहब का जो उद्देश्य था, बाबा साहब उद्देश्य था विज्ञाननिष्ठ है, हम विज्ञान के खिलाफ नहीं। अब 14 अक्टूबर की जो तारीख है, अगर वो तारीख हम छोड़े थे 10 साल के पहले, दीक्षा भूमि का जो प्रवेश द्वार है, जो गेट है, 14 अक्टूबर के दिन बंद रहता था, ये इतिहास है। दशहरे के दिन की गर्दी ये पारंपरिक गर्दी हो गई, लेकिन विज्ञाननिष्ठ लोगों को ये हमको बताना है कि विज्ञाननिष्ठ बनना है। हमने जब रैली शुरू की, वह गेट बंद रहता था,
गेट को खोलने के लिए गेट को हम झगड़े करना पड़ता था, फिर हमको वहाँ पुलिस कमिश्नर कलेक्टर को बुलाना पड़ता था, वहाँ फिर गेट खुलता था। यानी दीक्षाभूमि समिति का कहना था कि 14 अक्टूबर को दीक्षाभूमि पर कोई नहीं आ सकता है। नहीं, ये कैसा हो सकता है? 14 अक्टूबर की तारीख पूरी दुनिया को मालूम है, ये तो हिस्ट्री होगी ना, ये तो रिकॉर्ड होगा ना। और इसलिए इतना बड़ा यानी जो विज्ञाननिष्ठ विचार है, वो विचार को हमने अभी तक नहीं स्वीकार किया। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि 63 साल हो गए, लेकिन बाबा साहब ने धम्म क्रांति के पीछे जो बाबा साहब का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य आज की तारीख में पूरा सफल हुआ, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। इसलिए आगे हमको और कुछ इसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बाद ऐसा मैं कहूँगा। वो मशाल को पहले हमको समझना पड़ेगा, हमको पूरा अभ्यास करके देखना पड़ेगा बाबा साहब ने धम्म क्यों दिया हमको, कि सिर्फ हमको यानी हिंदू छोड़ना है, बौद्ध होना है, और बौद्ध बताने के लिए हमको बाबा साहब ने धम्म क्रांति नहीं दी। हमको हमारी जो विचारधारा है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारे जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो फेथ है, हमारा जो कर्म सिद्धांत है, ये सब बातें चेंज होने के लिए बाबा साहब को दिन दिया। अगर हम सिर्फ बोलेंगे कि हम हिंदू नहीं है और हम इधर हम बौद्ध बने, और ऐसे बौद्ध बनने से और एक दिन हम दीक्षाभूमि जाएंगे और हम अपन बताएंगे कि हमारा ये बौद्ध का बहुत बड़ा है त्यौहार है या सन है कुछ, तो इससे क्या होने वाला है? हमको तो ये बाबा साहब ने जो प्रकाश दिया, क्योंकि आज हमको देखना है कि भारत का बुद्ध विचार जापान में गया, और जापान की आज की जो तरक्की है, आज का जो उनका विकास है, उनका डेवलपमेंट है, उनकी लोकसंख्या सिर्फ 8 करोड़ है, और 8 करोड़ की लोकसंख्या जिसकी जो जिस देश का जिस देश के है, वो देश पूरे दुनिया को आज यानी आर्थिक मदद कर रहा है। यानी उसका बेस क्या है? उसका बेस बुद्धिज्म है। उन्होंने उनका विश्वास कर्म सिद्धांत पर है, उनका विश्वास कोई भविष्य पर नहीं है, कोई भगवान पर नहीं है, कोई कर्मकांड पर नहीं, उनका विश्वास अपने कर्म पर है, और कर्म करके वो उन्होंने बता दिया है कि बुद्धिज्म में क्या ताकत है। और आज हम देखते हैं कि हम तो अभी हमको लगता है कि हमारा जो कुछ विकास हो रहा है, हम लोग बोलते हैं अभी देखते हैं ना, बाबा साहब को मानने वाले लोग, मुझे तो ऐसा लगता मैं सोशोलॉजी का प्रोफेसर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगा बाबा साहब को भी मानते हैं, और बाबा साहब ने जिसको छोड़ने के लिए बोला उनको भी मानते, वही भगवान को हम मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, उससे क्या होने वाला है? हम बाबा साहब को बोलते हैं हमारा भगवान है, बाबा साहब ने हमको सब कुछ दिया, और हमारा कुछ कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ हमको ये समस्या आ गई, हम कोई दूसरे भगवान के पास जाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? कि हमने अभी तक जो अंधेरा था वो अंधेरा हमने हमने नहीं मिटाया। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब की जो धम्म क्रांति है उसको आगे लेके जाने के लिए हमको जैसा जापानीज जो कल्चर है, ये बुद्धिस्ट कल्चर है, ऐसी कल्चर को हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमको ये स्पष्ट देखना पड़ेगा। और इसलिए बाबा साहब ने जो कुछ बाबा साहब ने धम्म क्रांति के सब वक्त जो हमको 22 प्रतिज्ञा दी, वो 22 प्रतिज्ञा हमको देखना है, उसका अभ्यास करना है। बाबा साहब ने जो बताया वो यानी वो जो फिलोसफी है उसको अडॉप्ट करने के लिए हमको हमारा जो इंटरनल चेंज है, जो हमको हम बोलेंगे उसको नॉन फिजिकल कल्चरल चेंज, फिजिकल कल्चरल चेंज हमारे गाड़ी पर हम झंडा लगाएंगे, घर पर झंडा लगाएंगे, उससे वो होगा फिजिकल चेंज, हम कपड़े चेंज करेंगे, हमारा झंडा हमारे गले में पंचशील का ये रहेगा, लेकिन हमारा अगर मन जो है, हमारा जो अगर विचार जो है, अगर वो नॉन फिजिकल कल्चर का जो विचार है, जो अभौतिक बोलते हैं, अगर वो नहीं बदलता है, तो ऊपर से हमारा बदलाव से कोई हम बने बुद्धिस्ट हो गए और हम बुद्धिस्ट होने होके हम हमारा कुछ यानी अच्छा विकास करेंगे, हम डेवलप हो जाएंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि हमको अभी बहुत सोचना है, क्योंकि आज की तारीख में हम क्या देख रहे हैं कि जो कुछ भी बाबा साहब ने जिसको छोड़ने के लिए बताया उसको हमने पूरा छोड़ा क्या? या उसको हमने छोड़ा ही नहीं तो हम बुद्धिस्ट हुए कैसे? कोई भगवान के पास जाएंगे, कोई मंदिर में जाएंगे तो हमारे वहां लोग मिलते हैं। अब हिंदू के जो सन है, हिंदू बाबा बोला ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको मैं भगवान नहीं मानूंगा, कोई मैं हिंदू के सन नहीं मनाऊंगा। आज की तारीख में हम क्या देखें? आज की तारीख में जो बुद्धिस्ट हुआ, अगर उसके उसके घर में लड़की की अगर शादी हो गई, तो लड़की की शादी होने के बाद वो लड़की को पहले बार घर में कब लाता? आषाढ़ी जो रहती पूर्णिमा, आषाढ़ी जो रहती वो उस टाइम लाता। यानी जो हिंदू ट्रेडिशन है वो ट्रेडिशन वो फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? वो बुद्धिस्ट हो गया, लेकिन वो तो उसकी शादी होने के बाद बच्ची को लाना, घर में कपड़े लाना, दिवाली मनाना, ये मनाना, वो मनाना, इसका मतलब क्या हो गया? उसने वो कल्चर छोड़ा नहीं ना। जब वो कल्चर ही नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम बुद्धिस्ट बनके और 1 लाख 2 लाख 5 लाख की गर्दी कर एक दिन गर्दी करके बाबा साहब का सपना थोड़ा पूरा होने वाला है? बाबा साहब का सपना तो बहुत बड़ा था ना। बाबा साहब को लगता था मैं जो समाज को मैं बुद्धिज्म दे रहा हूँ, वो समाज इतनी तरक्की करेगा, इतनी तरक्की करेगा कि वो समाज इस देश को वो समाज यानी कंट्रोल।
आज तो हमको लोग कंट्रोल कर रहे हैं, हमको लोग भिखारी समझ रहे, हम पॉलिटिकल हमारा देखेंगे हमको लगता है लोग हमको भिखारी समझ रहे, हम ये दे रहे हम वो दे रहे हम वो दे रहे, हम हमारा क्या क्या पोजिशन है। बाबा साहब ने हमको स्वाभिमान बताया, बाबा साहब ने हमको जो जीना दिया वो जीना बहुत ही साइंटिफिक दिया, वो साइंटिफिक हमको बनना जरूरी है। इसलिए मैं बोलूँगा अभी बाबा साहब का जो कुछ सपना था वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ, ऐसा बोलूँगा। बाबा साहब ने जाति व्यवस्था नष्ट करने के लिए बुद्धिज्म दिया है। अब बुद्धिज्म में कोई कास्ट नहीं है, जब बुद्धिज्म कास्टलेस धर्म है। देखिए आज हम सोशियोलॉजिकल उसका स्टडी करेंगे, आफ्टर गेटिंग द बुद्धिज्म, बुद्धिज्म स्वीकार करने के बाद उसका हम स्टडी करेंगे। तो हम कल हिंदू हिंदू थे, कल हम हिंदू की जात महाजाति के लोग थे, और महाजाति के यानी महाजात में समझो सबका सपोर्ट जात थी। अगर आफ्टर कन्वर्शन आफ्टर फॉलोइंग द बुद्धिज्म अगर हम वही महाजात के जो पोट जात है या सबका से और उसको ही फॉलो कर रहे हैं। अगर हम बौद्ध की अगर शादी देखेंगे तो हमको लगता है कि बौद्ध की शादी किसके साथ होती है, किसकी शादी से करती है, वो कल की जो पोट जात है वही देख के उनकी शादी होती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम बुद्धिस्ट हो ही नहीं ना। अगर हम महार की जो जाति अगर वो जाति के अगर जो सबका से पोट जाते हैं उसमें 12 पोट जाति थी और वो 12 पोट जाति आज भी हमको मांगते वो हम फॉलो करें। अभी अकोला जिला में मैं जब देखता हूँ लोग बोलते हैं वो बौद्ध कौन से है, तो बावने बौद्ध है, वो बोले वो बौद्ध कौन से है तो कोसरे बौद्ध है। नहीं क्या हो रहा है, यानी कोसरे बौद्ध बावने बौद्ध ये नहीं, इसका मतलब क्या हो रहा है, सोमस बौद्ध। अरे ये सोमस कोसरे और ये बावने ये शब्द आज भी अगर 63 साल में अगर जिंदे है तो बाबा साहब ने ये सोचा था क्या कि जो समाज को मैं कास्टलेस बना लो कास्टलेस, बाकी जात की जाति व्यवस्था छोड़ दो, ब्राह्मणवाद ने जाति व्यवस्था निर्माण की तो वो जाति व्यवस्था तो वो तो भयानक है। उनका तो प्लान था इस देश को डिवाइड करना, आदमी को हर आदमी से डिवाइड करना उनका वो प्लान था। लेकिन वो प्लान को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने जो हमको बुद्धिज्म दिया तो बुद्धिज्म को लेने के बाद भी हमने हमारे जात को खत्म किया क्या, ये मेरा सवाल है। और हमारे जात को अगर हम खत्म नहीं कर सकते समझो तो बाबा साहब का जो उद्देश्य था, बाबा साहब का जो सोचना था कि ये देश मुझे कास्टलेस देश बनाना, कास्टलेस जातिविहीन समाज, और जातिविहीन समाज की फिर शुरुआत किस लिए करना चाहिए, हम दूसरी की जाति व्यवस्था को देखने के बजाय पहले हमने हमारी जाति देखना चाहिए। क्या हम सही अर्थ में आज बुद्धिस्ट हुए, अगर बुद्धिस्ट हुए तो फिर हमारे इसमें आज के तारीख में शादी के टाइम में ये प्रॉब्लम क्यों आता है कि हमारे फुट जात आगे होना चाहिए, फुट जात लड़की होना चाहिए, लड़की पहले बोलते ऐसा होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है। एंड हम ये नहीं देख रहे कि हमारा एजुकेशन स्तर क्या है, इकोनॉमिकल स्तर क्या, ये नहीं देख रहे, हम देख रहे कि हमारी फुट जात क्या है। अगर हम पोट जात लेके अगर हम अगर शादी बना रहे तो इसका मतलब हम बुद्धिज्म को हम ऊपर ऊपर से हम फॉलो कर रहे हैं, लोगों को बताने के फॉलो कर रहे हैं, लोगों को बताने से फॉलो नहीं होने वाला, लोगों को बताने से बुद्धिज्म से हमारा विकास नहीं होगा, हमको सही अर्थ में हमको चेंजेस दिखा। क्योंकि अगर कोई अगर स्टडी करा हमारे बुद्धिज्म का, यानी जो आफ्टर कन्वर्शन हमारा क्या परिवर्तन हुआ, अगर कोई स्टडी कर रहा तो वो क्या देखेगा, भाई ये तो बुद्धिस्ट हो गए। बाबा साहब उनको तो बोल दे कि हमको सब छोड़ना है, हिंदू की परंपरा छोड़ना है, हिंदू का धर्म सब छोड़ना है, फिर हम सब छोड़ना है ये बाबा साहब ने बता दिया। और हमने क्या छोड़ा, हमने छोड़ा क्या, सिर्फ हमारे शादी में बुद्धम शरणम गच्छामि बोलने से और कोई आदमी मरता है तो उसका वो वंदना करने से कोई बुद्धिस्ट नहीं बनता है। बुद्धिस्ट एक विचारधारा है, वो तो विज्ञानवादी विचारधारा है। हमको तो ये देखना है कि कास्ट है ही नहीं ना, फिर से वही हो गया ना। ये बाबा साहब के संघर्ष अगर हम समझते थे, बाबा साहब ने ये हमको धम्म दीक्षा दी क्यों, अगर ये समझते थे तो हम तो आज क्या देख रहे, हम क्यों कर रहे हैं, भाई जाना पड़ता अपने को। दूसरे लोग क्या बोलते, पहले हमने 10-14 अक्टूबर का प्रोग्राम शुरू किया था रैली के प्रोग्राम, तो लोग बोलते 14 अक्टूबर क्या है, अब लोगों में क्या प्रचार होता है, दूसरे को जाना है, यानी दूसरे को जाना है, गाड़ी फुकट रहती, खाने को मिलता, ये मिलता वो मिलता, नागपुर घूमना होता, ये होता, यानी हम त्यौहार मना रहे ना, क्यों हमको भोजन दान होना, हम क्या मरने वाले हैं, क्यों हमको गाड़ी फुकट के होना, क्यों खोना फुकट, जब तुमको इतना समझना है कि हम हमारे बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा दी वो दिन को हमको मना रहा है, हमको फुकट गाड़ी क्यों होना, नहीं होना फुकट गाड़ी, हमको खाना फुकट नहीं होना। बाबा साहब ने बताया कि हमारा संघर्ष भाकरी से संघर्ष नहीं है, स्वाभिमान संघर्ष, हम फुकट की गाड़ी में जाएंगे, वहाँ फुकट का भोजन खाएंगे और वहाँ खाए कहाँ भी कैसा भी रहेंगे, और फिर हम बताएंगे हम भाषण सुनने जाएंगे, क्या मतलब, यानी हम तो त्यौहार मना रहे, इसका मतलब हम त्यौहार हो गए, त्यौहार कोई क्रांति नहीं होती है। बाबा साहब बोला था कि पंढरपुर में जैसे लोग जाते हैं वैसे लोग जाने से कोई संघर्ष नहीं होता है, वहाँ हम भक्त बनते हैं। आज की तारीख में हम भी क्या हो रहे, वहाँ दीक्षा में भक्त हो रहे ना, भक्त होने से बाबा साहब का संघर्ष है या क्रांति आगे नहीं जाने वाली है, भाई हमको जाना है, देखना है, घूमना है, फिरना है, इससे क्या होने वाला,
बाबा साहब का ये सपना ही था, इतना बड़ा स्तूप बनेगा, इतने लाखों लोग आएंगे। बाबा साहब ने तो ये बोला था कि यहाँ मुझे बड़ी लाइब्रेरी बनाना है, यहाँ मुझे हर धर्म का अभ्यास होना चाहिए, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ ऑल रिलीजन, ऐसा यहाँ मुझे सेंटर बनाना है। ये बाबा साहब ने वामनराव गोडबोले बताया था। वामनराव गोडबोले ने जब बताया कि यहाँ स्तूप बना के कोई कुछ बाबा साहब के विचार के खिलाफ है, यहाँ गर्दी जमाने से क्या होने वाला है, गर्दी जमाने से क्या होने वाला आजकल होता है। जब गर्दी आ जाएगी तो पोल्टी लोगों ने क्या किया, पोल्टी के लोगों ने धर्म के नाम पर आजकल शुरू किया। 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पक्ष की स्थापना हुई। 3 अक्टूबर 1957 क्या था, पहला धम्म दीक्षा दिन, दसरे के दिन, और उस दिन उन्होंने पक्ष स्थापन किया। इसका मतलब क्या हो गया, धर्म क्रांति के नाम पर लोग जमा हो गए, उनके ताकत पर उन्होंने पक्ष स्थापन किया। ना आज भी क्या हो रहा है, आज भी क्या हो रहा है, आज भी हम देख रहे हैं कि दसरे के दिन कोई तो मंत्री आएगा, वो बोलेगा मैं 1 करोड़ दे रहा, मैं 2 करोड़ दे रहा, मैं ये दे रहा। ये क्या हो रहा हमारा, मुसलमान धर्म पढ़ो जरा, आप मुसलमान धर्म पढ़ो। वो लोग सरकार की मदद नहीं लेते अपने धार्मिक स्तर के लिए, धर्म अलग बात होती, धर्म ये सरकार से बड़ी ताकत है। धम्म दीक्षा दिन के उपलक्ष्य लोगों ने ये सोचना चाहिए कि मुझे मेरे बाबा साहब की कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहब का धम्म यही मेरी ताकत है, और इसको लेके हमें आगे चलना है। ऐसा अगर हम सोचेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये त्यौहार नहीं रहेगा, ये क्रांति बनेगी। त्यौहार के टाइम में लोग भावनिक होते हैं। काल मार्क्स का जब निर्माण हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा बंडखोर काल मार्क्स, जब उसका निर्माण हुआ, जो मर गया उसके वो मरने के अंतिम विधि के टाइम में सिर्फ 14 लोग थे। 14 लोगों ने शपथ ली कि काल मार्क्स का जो विचार है, जो बंडखोर विचार है, वो पूरे दुनिया में हमको लेकर चलना है। तो 14 लोगों ने इतना बड़ा संघर्ष किया कि दुनिया में पूरा काल मार्क्स चला गया। बाबा साहब का जब निर्वाण हुआ उस टाइम 6 लाख लोग थे, लेकिन वो 6 लाख लोग रो रहे थे, वो भक्त थे, रो रहे थे, घर में आए रोते रहे, और रोते रोते बाबा साहब को भूल गए। बाबा साहब ने इतना बड़ा संघर्ष करके हमको हमको मानुष बन दिया। हम मानुष नहीं थे, हम आदमी नहीं थे ना, आज हम मानुष बन गए, लेकिन हमको हम भूल गए। आज हम क्या कर रहे हैं, हमको खाना कहाँ फुकट मिलेगा, फुकट फुकट सब फुकट चालू है। बुद्धिज्म का आदमी फुकट पर विश्वास नहीं करेगा, वो अपने कर्म पर जाएगा। क्योंकि बाबा साहब बोला था, अरे वहां लाइन पर खाना खाएंगे, क्या हम क्या देख रहे, लाइन पर खाना खा रहे, क्या 50 रुपए का 30 रुपए खाना हम खा सकते, लाइन पर खाना खा रहे, वहां भी गाड़ी में किस कहा बैठ रहे, कैसे ये है, ये नहीं होना चाहिए। हम हमारे ताकत से, हमारे आर्थिक ताकत से, विकास से, हमारा हम दीक्षा का जो कार्यक्रम हम मनाना चाहिए। और इसलिए मैं बोलूंगा कि अभी हमको बहुत सोचना है, बहुत सोचना है। मैं जो बात कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि मैं बात जो कर रहा हूँ ये बात लोगों को लगेगा भाई आदमी क्या बोल रहा है, लेकिन जो सच है वो बोलना पड़ेगा। अगर हम वो बोलेंगे बहुत अच्छा है क्या अच्छा है, अरे लोग इधर भी जा रहे हो तो उधर भी जा रहे ना। देवी के मंदिर में आज हम देख रहे हैं, गणपति का विषय देखो या अभी देवी का विषय देखो, देवी के उपवास करने वाले कितने बुद्धिस्ट है, 25-30% लोग तो बुद्धिस्ट का अभी उपवास करने वाले है। क्या करेंगे फिर, का उपवास करने वाले, उपवास 9 दिन का उपवास लोग है, बुद्धिस्ट लोग है, वो बोलेंगे ये भी ठीक है वो भी ठीक है। अरे ये डबल स्टैंडर्ड में जिएंगे तो क्या बाबा साहब का क्या मिशन पूरा करेंगे। और पॉलिटिकल लोग तो बोलते हैं हमको तो उसको पूछना पड़ता, गणपति को पूछना पड़ता, ये देवी को पूछना पड़ता, नहीं पूछेंगे तो वो मतदान नहीं करेंगे, फिर बाबा साहब गलत हो गए। बाबा साहब बोल देगा ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे भगवान नहीं है, भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है, बाबा साहब ने बोल दिया। अब बाबा साहब इतना बोलने के बाद अगर हम वही काम करते बैठेंगे, हमको पॉलिटिकल, हमको सिक्का होना, लोगों को जोड़ना है, फिर बाबा साहब गलत हो गए। बाबा साहब पॉलिटिशियन थे कि नहीं थे, बाबा साहब पॉलिटिशियन थे, फिर भी उन्होंने बोला कि हमको ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे भगवान नहीं है। और हमारा आज का एक आधा पॉलिटिशियन जो है बाबा साहब का जो झंडा लेके चल रहा है, वो अगर कोई भगवान के घर में या कोई मंदिर में जा रहा है और उसको पूजा कर रहा है और बोलेगा कि ये तो पॉलिटिक्स करना पड़ता है, अरे ये पॉलिटिक्स तुम करेंगे भैया तो बाबा साहब को तो खत्म करेंगे ना। बाबा साहब ने जो विचार दिया, जो बंड दिया, उसको तो खत्म करे, वो ऊपर पॉलिटिक्स हमारे क्या काम का। तुम अगर उनको उनकी श्रद्धा को जो पासने के लिए, उनके मत के लिए, तुम अगर तुम्हारा बाबा साहब का ओरिजिनल विचार अगर खत्म करके पॉलिटिक्स करे तो वो विचार का पॉलिटिक्स हमें क्या क्या न्याय देने वाला है, ये मेरा सवाल है। और इसलिए बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है, वो 22 प्रतिज्ञा को हमको आगे लेके चलना है। चाहे अगर हम मानने वाले अगर हम कम लोग रहेंगे तो चलेगा, लेकिन वही प्रतिज्ञा को लेके चलने वाला जो आदमी रहेगा वही बुद्धिस्ट रहेगा। और ऐसा ही बुद्धिस्ट हमें इस देश में निर्माण करना चाहिए, निर्माण होना चाहिए, तभी बाबा साहब सपना पूरा होना। ऐसा मैं कहूंगा, मैं तो ये संकल्प करना चाहूंगा और लोगों को बताऊंगा आप भी ये संकल्प करो, क्योंकि आज की तारीख में बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जो जो हमें 22 प्रतिज्ञा दी, जो 22 ओथ्स एडमिनिस्टर्ड बाय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एट द टाइम ऑफ हिस्टोरिकल कन्वर्शन, वो जो 22 प्रतिज्ञा जो उसके उसको कानून की मान्यता मिलाना जरूरी है।
उसको कानून की, अब बाबा साहब ने प्रतिज्ञा दी, बाबा साहब को टाइम नहीं मिला, बाबा साहब प्रतिज्ञा दी, अगर वो प्रतिज्ञा अगर हम कोर्ट पर ले जाए कोर्ट बोलेंगे ये प्रतिज्ञा हम क्या करेंगे, कोई कानून नहीं है। बाबा साहब ने जो प्रतिज्ञा दी वो प्रतिज्ञा ना हमारा धर्म का जो हमारा बेस है, हमारा सोर्स है, क्योंकि बाबा साहब ने जब देखा है कि 1955 के हिंदू लॉ में वहां बौद्ध का समावेश है, बौद्ध धर्म का समावेश है, 1955 का हिंदू लॉ में बौद्ध धर्म का समावेश है। हिंदू लॉ का बेस क्या है? हिंदू लॉ का बेस है कि ब्रह्मा क्रिएटेड दिस नेचर, यानी ब्रह्मा ने ये नेचर को निर्माण किया, ऐसा किसका बोला? हिंदू लॉ का बोलना है। अगर हिंदू लॉ का ये अगर कहना है कि ब्रह्मा क्रिएटेड दिस नेचर, और वो हिंदू लॉ अगर बौद्धों को अगर लागू हो रहा है, हम कानून से कौन हो गए? हम तो हिंदू हो गए। यानी हिंदू लॉ में अगर बुद्धिस्ट है, बौद्ध लोग है, तो इसलिए बाबा साहब ने हिंदू लॉ में से बौद्धों को बाहर निकालने के लिए बहुत दी, और उन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमारा भगवान नहीं है। हिंदू लॉ बोलता है कि यार निर्माता है ब्रह्मा है, और बाबा साहब बोलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं है, फिर हम किसका मानेंगे? हिंदू लॉ का मानेंगे कि बाबा साहब का मानेंगे? बाबा साहब ने जो बोला वो हमारे लिए हमारा सोर्स है, हमारा वो आइडियल है, हमारा आदर्श है, फिर वो आदर्श को हमारे फिलोसफी को हमको कानून की मान्यता होना। आज के तारीख में हम क्या देख रहे कि हिंदू फिलोसफी बोलती है कि भगवान बुद्धा ये भगवान विष्णु का अवतार है, यानी भगवान बुद्धा विष्णु का अवतार है, इनके वो फिलोसफी है, इसलिए बाबा साहब को बोलना पड़ेगा भगवान बुद्धा विष्णु का अवतार है, ये झूठा प्रचार है। बाबा साहब ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उनको उनका जो प्रचार है, उनकी फिलोसफी है, वो फिलोसफी को नष्ट करना था। जब तक उनकी फिलोसफी नष्ट नहीं होंगी, तब तक बुद्धिज्म जो है उसका जो हिंदू फिलोसफी से जो संबंध जुड़ा है वो नहीं टूटने वाला है, और इसलिए हमको हमारा बुद्धिस्ट लॉ हमको तैयार करना पड़ेगा, बुद्धिस्ट लॉ हमको बनाना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं कि हिंदू लॉ में 1955 में जैन थे, बुद्धिस्ट थे, सिख थे और लिंगायत थे। लिंगायत लोगों ने झगड़ा किया, सिख लोगों ने झगड़ा किया, जैन लोगों ने झगड़ा किया, उन्होंने बोला वी आर नॉट हिंदूज, हम हिंदू नहीं है, हमारी कल्चर अलग है, हमारा फेथ अलग है, हमारा भगवान अलग है, हमारा ही ब्रह्मा से कोई संबंध नहीं है, फिर हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं, हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं? बाबा साहब का जो सिद्धांत वाला जो आदमी है उसको ये क्यों नहीं समझ रहा कि बाबा साहब ने तो बोल दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे भगवान नहीं है, फिर वो हिंदू लॉ जो ब्रह्मा को भगवान मानने वाला जो हिंदू लॉ है वो हम क्यों मान रहे? इसका मतलब हमको कानून की कुछ जानकारी नहीं है, हमको लगता है बाबा साहब ने तो कोई कहा बताया नहीं। अरे बाबा साहब कब बताएंगे? जब बाबा को टाइम मिला ही नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने धम्म क्रांति की और 6 दिसंबर को बाबा साहब छिप चले गए, तो बाबा साहब को कहाँ टाइम मिला लॉ बनाने के लिए? देखिए बाबा साहब ने लॉ बनाने का जो सोर्स है वो सोर्स हमको दिया ना, हमको ये समझना चाहिए कि ये 22 प्रतिज्ञा लेके अगर हम कोर्ट में गए। अब देखो महाबोधि विहार, महाबोधि विहार सब उद्योग में, महाबोधि विहार किसका है? तो भगवान बुद्ध का है, भगवान बुद्ध का वो श्रद्धा भूमि, हमारे बौद्ध की श्रद्धा भूमि है। वहां भगवान बुद्ध को क्या मिला? वहां भगवान बुद्ध सम्यक ज्ञान मिला, सम्यक ज्ञान जो भगवान बुद्ध को मिला ये पूरी दुनिया को मालूम है। वो महाबोधि विहार किसका? बौद्ध का है। उसका अध्यक्ष कौन है? उसका अध्यक्ष कलेक्टर है। उसके मैनेजमेंट में कौन है? 4 पंडे हैं, 4 पुरोहित हैं। वो बोलते कि हमारा भगवान बुद्ध है, हमारा भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है, इसलिए मतलब भगवान बुद्ध हमारा भगवान हो गया। यानी कानून से वो अघुस है वो, अब वो कानून को हम रद्द कैसा करेंगे? जब तक हमारा कानून नहीं बनेगा, हमारा जब तक कानून नहीं बनेगा कि बाबा साहब ने जो हमको बुद्ध धर्म दिया उसका बेस है कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु का अवतार है, ये झूठा प्रचार है, ये प्रचार गलत है, और इसलिए भगवान बुद्ध से अगर भगवान विष्णु का संबंध नहीं है अकॉर्डिंग टू फिलोसफी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, ऐसा जब कानून बनेगा तब महाबोधि विहार मुक्त हो जाएगी। इतने सालों से हम टप्पे निकाल रहे, आंदोलन कर रहे, ये कर रहे, लेकिन हमको ये समझा क्या? अरे जब तक कानून में जब तक हमारा भगवान बुद्ध का भगवान विष्णु से संबंध नहीं टूटने वाला है तब तक महाबोधि विहार मुक्त नहीं होगा। महाबोधि विहार आज आज उसके उसमें प्रशासन में उसके एडमिनिस्ट्रेशन में कौन लोग जिनको बुद्धिज्म मालूम मान्य नहीं है, जिनको भगवान बुद्ध मान्य नहीं है, जिनको बाबा साहब मान्य नहीं, वो लोग वहां बैठे हैं और पूरे दुनिया के जो बुद्ध राष्ट्र का जो पैसा है वो लेकर अपने घर में लेके जा रहे हैं। कितनी कितनी बेगलत बात हो गई। यानी हमको ये देखना है कि बाबा साहब का कारवा आगे लेके चलना है तो हमको अभ्यास करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का अभ्यास करना पड़ेगा, धर्म का अभ्यास करना पड़ेगा, बुद्धिज्म का अभ्यास करना पड़ेगा। आज बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा सिर्फ माइक में बोलने के लिए नहीं है, वो माइक से बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा, उससे तो हमको ये देखना है कि ये 22 प्रतिज्ञा को हमको उसको कानून की मान्यता प्रदान करना है। जिस दिन वो कानून बनेगा, वो कानून का बेस लेना 22 प्रतिज्ञा, तब सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट बोलेगा अगर बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म का जो स्थापना की, अगर उनका बौद्ध धर्म अगर विष्णु को नहीं मानता है तो विष्णु को मानने वाले लोगों को महाबोधि विहार में बैठने का कोई अधिकार नहीं है,
तब वहां बुधवार मुक्त हो जाएगा। आज ये हमारा संकल्प होना चाहिए, ये मैंने संकल्प किया और मैं लड़ाई कर रहा हूं, मैं 2 साल से मैं लड़ रहा हूं, मैंने मैंने 19 लाख का बिल बनाया है, बिल हमने सरकार को सबमिट किया है। मैं यही चाहूंगा कि अभी अभी बहुत लोगों ने आगे के लिए जो लड़ना है संकल्प करना है, हमें संकल्प करना है कि हमको आगे क्या करना है, हमको आगे ये काम करना जरूरी है। क्योंकि आज के तारीख में बाबा साहब अम्बेडकर का जो कारवा है, जो सपना था, जो बुद्धिज्म का जो कारवा है, वो आगे लेके चलने के लिए हमको बुद्धिस्ट लॉ, बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ, उसमें उसमें हमारा अधिकार रहेगा, हमारे बौद्धों का कानून अधिकार वहां मान्य हो जाएगा। और इसलिए मैं ये कहूंगा, ये मेरा संकल्प है, समाज ने भी ये संकल्प करना चाहिए और पूरा वस्तुनिष्ठ विज्ञाननिष्ठ हमको बन के हमको बाबा साहब का जो धम्म मिशन है वो समझना चाहिए। भावनिक होके या बाबा साहब ने बहुत कुछ किया और फिर बाबा साहब ने किया तो एक दिन जाना पड़ता, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये हमारा इमोशन होगा, इमोशनल रिलेशनशिप। बाबा साहब ने ये जो कुछ किया, ये बंद क्यों किया? बाबा साहब तो राजकारणी थे, उनको तो मालूम था कि मैं ऐसा बोलूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है, मैं ये बोलूंगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमारा भगवान नहीं है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने वाले लोग तो हमारे पास दूर जाएंगे ना। ये तो बाबा को समझ रहे थे क्या? बाबा साहब पॉलिटिशियन थे, उनको समझ रहे थे कि मैं ऐसा बोलूंगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये हमारे भगवान नहीं है तो ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने वाले लोग मेरे साथ नहीं रहेंगे, ये बाबा साहब को समझता नहीं था क्या? समझता था, लेकिन बंड करने के लिए, क्रांति करने के लिए सच बोलना पड़ता, वो सच लेके हमको भी जाना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि बाबा साहब को हम खुश करेंगे, उधर हम गणपति को खुश करेंगे, हम बोलेंगे बाबा साहब को खुश करेंगे, भगवान बुद्ध को खुश करेंगे, इधर हम बोलेंगे देवी को खुश करेंगे। ऐसे डबल स्टैंडर्ड में हम जब तक रहेंगे तब तक ये धम्म क्रांति सिर्फ लाखों की गर्दी में दिखेंगी, लेकिन सही अर्थ में धम्म क्रांति का जो इफेक्ट चाहिए समाज पर, समाज के विकास पर, वो इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए मैं लोगों को ये बोलूंगा कि अभी कानून बनाने की लड़ाई हमने जो शुरू की है वो लड़ाई को आप साथ दो, ये तुम्हारी मेरी सबकी लड़ाई है और बाबा साहब का इसमें सपना पूरा होने वाला है ऐसा मुझे लगता है। लॉर्ड बुद्धा टीवी ने जो आज मुझे बुलाया, इसलिए मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का मैं यह धन्यवाद प्रकट करता हूँ और सभी हमारे बौद्ध लोगों को मैं 63वां जो धम्म दीक्षा दिन है उसके उपलक्ष्य में फिर से मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और मैं मेरे यहाँ मेरी चर्चा खत्म होता, धन्यवाद, जय भी नव होता है।